आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजरात स्पेशल गांठिया की कढ़ी। ये कढ़ी और आपने अभी तक नहीं बनाई होगी, ये बिल्कुल मैं अलग तरीके से बनाना बताऊंगी और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट के आएगा इसमें। और ये कढ़ी बहुत आसानी से आप बहुत झटपट तरीके से बना सकते हैं। और ये बहुत ये जो गांठिया है वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, आप घर पर भी बना सकते हैं, इसे सेव भी बोलते हैं। ये कढ़ी मैंने खुद ट्राई किया और मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ ये रेसिपी, एकदम यूनिक रेसिपी है। तो चलिए मैं बताती हूँ ये रेसिपी मैंने कैसे बनाया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मैं आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमें बेसन लेना है 2 चम्मच और 100 ग्राम दही लेना है और उसका एक घोल बना लेना है। फिर यहाँ पे मैंने गरम कर लिया था कढ़ाई, ऑयल डाला, जीरा लहसुन अदरक और रेड चिली 2 मैंने डाला है इसमें, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भून लेंगे जब तक कि अच्छे से कलर नहीं इसके अंदर आ जाता है। और फिर उसके यहाँ मैंने उसके बाद फिर मैं डालूँगी 1 चॉप किया हुआ ओनियन। ओनियन ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप नहीं डालें, और क्योंकि हमें पसंद है तो यहाँ पे मैंने ये डाला है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से भून लेंगे तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छा सा कलर आ गया है, मैंने भून लिया है। उसके बाद ये भूनने के बाद फिर हम क्या करेंगे, मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले में हमें जो नॉर्मल हम मसाले यूज करते हैं, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैंने ऐड किया रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पे ये मसाले ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम एक टोमेटो लेंगे और टोमेटो को चॉप कर लेंगे और उसके बाद उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने टोमेटो को भी ऐड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं टोमेटो भी ऐड कर दिया है। तो इसे तब तक हमें पकाना है जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। जब अच्छे से गल जाएगा इसके अंदर हम नमक डाल देंगे तो जल्दी से गल जाएगा। यहाँ पे डाला है मैंने हींग, क्योंकि कढ़ी है तो हींग डालना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और थोड़ा मैंने यहाँ पर धनिया फ्लेवर के लिए डाल दिया है। उसके बाद इसे अच्छे से मैंने मिक्स करना है, तो यहाँ पे मैं दबा दबा के अच्छे से मैंने टोमेटो को मिक्स कर दिया। अब मैंने जो घोल बना के रखा था वो घोल मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें तब तक चलाते रहना है जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाए। और नमक हमें अभी नहीं डालना है, नहीं तो फट जाती है कढ़ी स्टार्टिंग में डालेंगे। तो इसी तरह से मैंने देखिए चलाते हुए इसको पका लिया है। और मैंने इस स्टेज पे अब हम यहाँ पे नमक डाल देंगे, क्योंकि अभी हमारी जो कढ़ी है बॉयल आने लगा है। ये है गांठिया। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी सॉफ्ट होती है, तो ये बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद पकने दिया मैंने, तो अभी आप देख सकते हैं कढ़ी कितनी अच्छे से पक के गाढ़ी हो गई है। देखिए, आप चाहें तो अगर गांठिया नहीं हो तो आप बस इस स्टेज पे भी खा सकते हैं इसको, और तो भी बहुत अच्छी लगती है ये कढ़ी इस तरह से। अगर आप गांठिया डालेंगे तो और अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने गांठिया डाल दिया है, तो देख सकते हैं आप। तो अब इसको हमें पकाना नहीं है, बस 1 मिनट के लिए मिला के और फिर हमें गैस ऑफ कर देना है, क्योंकि गांठिया बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आप बहुत देर तक रखेंगे तो फिर वो गल जाएगा, तो इसलिए हमें गांठिया डाल के फिर हमें गैस को बंद ही कर देना है। तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है, अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं एक बाउल लिया है, उसमें मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी ये गांठिया की कढ़ी बनके रेडी हो गई है। तो देखा आपने कितनी जल्दी से फटाफट, अगर हमें कढ़ी खाने का मन हो तो आप इस तरह से बना के खा सकते हैं, और बहुत आसानी से और जल्दी भी, झटपट भी। और इसे आप रोटी के साथ पर और आप इसे राइस के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये गांठिया की कढ़ी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट शेयर फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले।
तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स लाइक करना ना भूला करें, लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बाय बाय और मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।